के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट, मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ में फ्लाइंग स्क्वाड टीम और सुहागपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 4 लाख रुपए से ज्यादा का सोना चांदी जब्त किया है। एक कार से जब्त किए गए सोने चांदी के संबंध में कार सवार कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। सुहागपुरा थानाधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के तहत जिले में SP अमित कुमार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर अवैध गतिविधियों के संचालन को रोकने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत फ्लाइंग स्क्वाड टीम और सुहागपुरा थाना पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर सुहागपुरा क्षेत्र में नाकाबंदी की जा रही है तथा बांसवाड़ा की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी। पूछताछ में कार सवार ने अपना नाम जसंतपुरा निवासी चंद्रभान सिंह बताया। जब कार की तलाशी ली गई उसमें 6 किलो 200 ग्राम चांदी और 10 ग्राम सोना मिला। जसवंत सिंह से इस विषय में पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया और ना ही वैध कागजात प्रस्तुत कर पाया। इस पर सोने चांदी को जब्त कर ट्रेजरी में जमा कराया गया है।